तो गाइस फाइनली जो है कि अपना ड्रोन आ चुका है और ये मेरा पहला ड्रोन भी है। कैसा है, क्या है, कैसे उड़ेगा, क्या सीन होगा, इससे पहले मैंने ड्रोन उड़ाए बट ये मेरा पर्सनल पहला ड्रोन है। लेकिन गाइस बहुत ही मजा आने वाला है। आप जो है लाइक और जरूर से दबा दीजिए। हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। एक व्हाइट कलर में ब्लैक ग्लव, मैंने ब्लैक ग्लव पसंद किया, चिटी कैमरा है इसके अंदर। ये कोई हैवी ड्रोन नहीं है, बहुत ही लाइट ड्रोन है और साथ ही साथ ज्यादा महंगा भी नहीं है। ठीक है, आप भी परचेज कर सकते हो ऐसे उड़ाने के लिए। ये कुछ भाई ये चीज मेरे को बड़ी प्यारी लगती है, जो कैमरा लग रहा है भाई, ये प्रीमियम फीलिंग देता है भाई। ऐसा ऑफिस का छोटा बैग। Nice. 1, 2, 3. जैसे ही खोलते हो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। पहली चीज जो देखने को मिलती है वो है ये एक चार्जिंग केबल है। साथ ही साथ जो प्रोपेलर्स होते हैं इनके, इनकी सेफ्टी के लिए ये दिए गए, आप इनको लगा सकते हो। और साथ ही साथ चार प्रोपेलर्स भी दिए गए एक्स्ट्रा की ज्यादा टूट जाए तो लगाने के लिए काम है। और साथ ही साथ एक स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ये जो है ना कैमरा वाला ड्रोन है तो दैट रीजन इसके लिए एक ऐप दिया गया है। आप मोबाइल से इसे कनेक्ट कर सकते हो ये QR स्कैन करके, और इसका वैसे नाम भी पढ़ सकते हो। नाम जो है RCFPV नाम का एक ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसे आप कनेक्ट कर लोगे, वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। ये दूसरी चीज आपके पास मिल जाता है मैनुअल, जो कि बहुत जरूरी होती है। अब जो आती मेन चीज है, पहली जो आती है इसकी बैटरी आती है। ये जो बैटरी है, ये ड्रोन देख पा रहा हूं, ये लगभग 10 से 15 मिनट तक अच्छे से आप चार्ज करने के बाद, फुल्ली चार्ज करने के बाद आप इसको चला सकते हो। यहाँ पे इसका कैमरा है जो कि HD कैमरा है। यहाँ पे कुछ बटन दिए हैं वो अलग अलग चीजें के लिए अलग अलग काम में आते हैं। मैनुअल पढ़ के आप समझ जाओगे कि किसमें और किस लिए काम में आता है। ठीक है, जैसे कि कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टॉप के लिए काम आता है, टेक ऑफ लैंडिंग के लिए काम आता है। यहाँ पे आपको 3 सेल लगा रहे हैं, बड़े वाले लगा रहे हैं, मैं आपको भी लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो रेडी, देखो अभी हो गया अनबॉक्सिंग। अब है इसकी टेस्टिंग की बारी है, ऐसे कैसे काम करता है, कैसे क्या उड़ता है, अभी देखते हैं। यहाँ से इसका पावर ऑन का बटन आपको दबा के रखना, ये ऑन हो गया। यहाँ पे मोबाइल लगाना है तो यहाँ से ऑन करना है, तो इसको एक बार आगे और एक बार पीछे रखना, ये ठीक है। और इसको बंद कर रहा होगा तो आप चलो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी बंद कर दो, अभी चलते हैं बाहर, बहुत मजा आ रहा है, चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली जो है कि ओपन एरिया के अंदर हम आ चुके हैं। अभी ऑन करते हैं अपने ड्रोन को। देखो आपको अगर उड़ाना तो ऐसी जगह पे ही उड़ाना है। ठीक है, ये रहा अपना ड्रोन, नेट हो गया। इसमें जो होता है कि गिम्बल नहीं होता, दैट रीजन जो है ये आपको सेटअप करना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। बंद करें, चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइज ड्रोन उड़ाने के दौरान मुझे एक चीज का पता चला कि हम जो सस्ते ड्रोन लेते हैं, जैसे कि 5,000 से 10,000 15,000 के लगभग हमको ड्रोन लेते हैं, तो जैसा हम सोचते हैं कि यार स्टेबल आएंगे वैसे स्टेबिलिटी नहीं होती इनमें। अगर अच्छी खासी आवाज चल रही है तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि मुझे हो रहा है। साथ ही साथ जो इसके साथ बटन दिए गए हैं रिटर्न वगैरह, ये कहीं पे भी काम नहीं करते, कभी भी काम नहीं करते। रिटर्न का तो आप ये सोच के बैठो कभी काम करेगा ही नहीं। हाँ, जैसे 360 है ये भी काम कर जाएंगे और फ्लिप वगैरह ये काम कर जाएंगे। और बाकी बात करेगी इसके कैमरे की, तो साइड मैंने रिकॉर्डिंग देर की है, मैंने रिकॉर्डिंग साइड में की है। कैमरे की क्लियरिटी आप देख सकते हो, अच्छी खासी क्लियरिटी ठीक ठाक, ये लगभग मुझे 5,000 के लगभग पड़ गया है। आप जब भी उड़ाओ, पर जैसे कि आपके सस्ते ड्रोन है, ये क्या होते हैं कि देखो ज्यादा महंगे ड्रोन है नहीं, सस्ते ड्रोन है। अगर इसी जगह बहुत महंगे ड्रोन होते हैं तो ये जो हवा चलती है ना कुछ नहीं बिगाड़ पाती, वो इजीली कंट्रोल हो जाता है। बट जो सस्ते ड्रोन होते हैं वो इजीली कंट्रोल नहीं हो पाते, दैट रीजन प्रॉब्लम। तो अच्छी खासा उड़ा, बहुत ही मजा आया, आपको मजा आया इस वीडियो को लेकर, जरूर से बताना। अगर आप मैसे पूछो कि कैसा है ड्रोन कैसा नहीं है, तो मैं सीधा बोलूंगा कि ड्रोन बहुत ही बढ़िया है, बट आपको ऐसी जगह उड़ाना जहाँ पे ज्यादा हवा नहीं आई, कम हवा रहे और अच्छे से उड़ा पाओ। ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेना मैनुअल और अच्छे से सीख लेना। ठीक है, इनके साथ सीखना अच्छा भी है, महंगे ड्रोन से अच्छा तो ये क्योंकि आप सीखने के हिसाब से हो तो ठीक है। बड़े एक नंबर अच्छा अच्छा लगा मुझे तो, आपको भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, जरूर से बना। ये रहा ड्रोन, बहुत ही मजा आया। आप जो है इस वीडियो को लाइक करो, जरूर से बना। हम मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।